ये पीछे से ऐसा है, मतलब इसमें कमर दिखेगी। एक तो पता नहीं कौन टेम्पो लेके आए थे, तेज से बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। ये पूरा नीचे वन टू YouTube चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे, पैम्परिंग दे रहे होंगे और खुद भी बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। सो गाइज, हमने अपने चैनल पे बहुत सारे हॉल्स किए, मीशो हॉल, अर्बेनिक हॉल भी कर लिया अब तो, बट एक हॉल ऐसा था जो मुझे मीशो जैसा लगता है पर मैंने आज तक नहीं किया, तो कुछ आज डिफरेंट ही होने वाले। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आज हम करने वाले हैं मिंत्रा हॉल, मिंत्रा ऐसे बोलते हैं ना, मिंत्रा, जिसमें मैंने बहुत प्यारे फैशनेबल बेसिक कुर्ते मंगाए, मतलब फुल सेट के, जिसके साथ प्लाजो भी है और कुर्ती भी है, जो सभी लड़कियों को चाहिए होती है। पर्सनली मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है कि जो ऊपर नीचे का एक ही साथ मिल जाए, नहीं तो यार क्या होता है, कुर्ता अलग खरीदो, नीचे की पैंट्स अलग खरीदो, फिर चुन्नी अलग खरीदो, पैसे भी इसमें ज्यादा लगते हैं और पूरा अच्छे से मैचिंग भी नहीं हो पाती। सो इसीलिए मैं एक ऐसा हॉल लेके आई हूँ जिसके अंदर पूरा सेट होगा, सब कुछ बहुत रीजनेबल प्राइस में। एक या दो कुर्ते थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, बट अगर हम शादी ब्याह के उससे देखें तो वो अच्छे हैं। यस गुल्लीज, तो फटाफट से हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितने प्यारे और कितने सुंदर से। अब आप मुझसे पूछोगे ये ऐसे गुबाड़े वाला टॉप आपने कहाँ से लिया? ये मैंने लिया है W से, ये आई गेस ऑनलाइन नहीं है, हमारे घर के पास ही जो वेगस मॉल है बस मैंने वहीं से लिया है जाके। ये गाइस, तो फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको अपना पहला आउटफिट, जो कि थोड़ा सा महंगा है पर बहुत प्यारा भी है और बहुत अच्छा भी है। सो लेट्स सी। यस, तो पहला आउटफिट है हमारा ये, जिसका कलर बहुत अच्छा है और पर्सनली मुझे इसका कलर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कानू का कलर है। ये पीछे से ऐसा है, मतलब इसमें कमर दिखेगी। ओके, तो इसके साथ मैंने आपको दिखा दिया, ये ऐसे एक प्लेन सी कुर्ती है, पीछे से अच्छा डिजाइन है इसमें, और यहाँ पे ये है इसकी पैंट्स, चुन्नी नहीं है इसके साथ, और चुन्नी आएगी इसके साथ मजा भी नहीं आएगा लेने में, समझ रहे हो ना। चलो फिर इसको पहन के आते हैं। सो गुलीज, आर यू रेडी? ये सबसे अच्छा कपड़ा है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, मेरी मम्मी ना मारे, बस की नंगी कमर दिखा दिए, रुक जाओ पहले आगे से दिखाऊंगी। जस्ट सी, ये कितना प्रिटी लग रहा है, और इसके पैंट्स भी दिखाती हूँ आगे से कैसे लग रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी इधर, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा ऐसे। ये रहा ये पूरा आउटफिट। अब बारी आती है इसको पीछे से देखने की। गुरु, तेरी मुंडी दिख रही है मेरे को। वन टू, कितना क्यूट लग रहा है। शिट, मुझे ना ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, दीदी तेरा देवर दीवाना में नहीं पहनती थी वैसे। मैं सिर्फ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ पहन सकती हूँ, वो भी अगर हम किसी दिवाली पार्टी में जा रहे हैं कुछ ऐसे। बट एक और चीज है मेरे साथ, तुम्हें मालूम है मेरे सिर्फ दो ही दोस्त है और वो खुद इतने गरीब है, उन्हें कोई नहीं बुलाता। हियर इज द सूट एंड सी। अगर इसको मार्क्स देने की बात करूं तो मैं इसको दूंगी 5 में से 10, क्योंकि ये डिजर्व करता है। इधर चल। ओके, सो नेक्स्ट आउटफिट है हमारा ये, ऐसे करके एक टॉप टाइप है और नीचे ऐसे वर्क है इसके, एंड उसके साथ यहाँ पे एक धोती भी है। अभी वीडियो में इसका कलर बहुत ज्यादा ऐसा भड़कीला सा लग रहा है, पर ये नहीं है, ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है, और मैं इसको पहन के आती हूँ। सो लेट्स गो एंड चेंज दिस। सो गाइस, हियर इज द नेक्स्ट आउटफिट। ये ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, एक सेकंड, खुद जज करना, अच्छा है, बुरा नहीं बोलूंगी। ये पूरा आउटफिट ऐसा है, नीचे से इसके धोती, ऊपर से ऐसा, ये नहीं होता ऐसे वाला लुक दे रही हूँ मुझे। थोड़ा सा सी थ्रू है, आपने देखा है कि मैंने इसके नीचे इनर पहना हुआ है, नहीं तो पूरा विजिबल हो रहा था। छोटे छोटे प्रिंट्स हैं, ये देखो, शायद मैं इसको नवरात्रे पे या कभी किसी ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन पे जाऊँ तो पहनूं, बाकी ऐसे तो मैं ढोल नगाड़े पीटने वाली लगूंगी, तो मैं इसको नहीं इतने अच्छे मार्क्स देती। मैं इसको दूंगी 5 में से 4.5, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसे वाले ये अंदर से जो दिखता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आउटफिट की, जो कि है, मैं बिल्कुल सिंपल सा दिखाती हूँ, बेसिक कुर्ते, जो कि आप अपने कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी बाहर अगर खेलने के लिए जा रहे हो तो आप पहन सकते हो और बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो सकते हो। हियर इज द आउटफिट। इसका कलर बहुत अच्छा है, मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा था, प्लस इसके सेम कलर की ये पैंट्स है जो कि बहुत क्यूट है। ये देखो, ये है आगे से, और इसकी ऐसे बेल स्लीव भी है, ये बेली नहीं, ये बेली होती, मतलब कुछ है इसमें, ऐसे वाली स्लीव है इसकी, और प्लाजो तो सिंपल बेसिक ही है। लेट्स ट्राई दिस। सो गाइज, ये हमारी नेक्स्ट कुर्ती। यस, ये देखो, ये नीचे से प्लाजो ऐसा है, बहुत क्यूट सा कलर है इसका, और कुर्ती का भी बहुत अच्छा है,
बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ पर एक चीज भी है, मतलब ऐसे करके ये बटन है इधर जो कि अच्छा लग रहा है यार, सी। और ये इसकी स्लीव्स ऐसी है थोड़ी क्यूट सी, पर अगर मैं इसको मार्क्स दूं तो मैं इसको 5 में से 5 दूंगी। सो उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती की, जो कि इसी की जैसी, इसी की साथी है, मतलब इसी की बहन है। एक तो पता नहीं कौन टेम्पो लेके आए थे, तेज से बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। कुर्ता दिखाती हूँ पहले आपको, ये तो मैंने पहना भी था कल, तुम देखे हो इसको। कुर्ती है जो कि मुझे इसका कलर भी अच्छा लगा और मेरे ऊपर भी कल क्यूट लग रही थी बहुत ज्यादा। और उसके नीचे इसकी ये पैंट्स है जो भी बहुत अच्छी है। फटाफट से मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। एंड यस, लेट्स गो। गाइस, दिस इज द नेक्स्ट कुर्ती। ये है कुर्ती, पीछे से ऐसी, आगे से ऐसी, बहुत कंफर्टेबल है। इसमें मैं ट्रीटिंग भी कर सकती हूँ। गिल्स है इस पे, ऐसा मन कर रहा है गिल्स ऐसे करने का। इस पे गिल्स जैसा डिजाइन है। 5 बार बोलेगी अब गिल्स। गिल्स, 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 गिल्स। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो आप देख ही सकते हो, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल गंदी नहीं है, बहुत अच्छी है। और इस पे जैसे जो गिल्स वाला काम है ना, इसकी गिल्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बनी हुई है, मतलब इसके साइड में बॉर्डर्स पे। तो अगर मैं इसको मार्क्स दूं तो मैं इसको दूंगी 5 में से 5, क्योंकि मुझे ये बहुत कंफर्टेबल है। प्लस मुझे ऐसी कॉटन की कुर्तियां पसंद है। अब मुझे नहीं पता है कॉटन है, जॉर्जेट है, कौन सा है, बट मुझे ऐसी पसंद है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती की। तुम लोगों को नहीं लग रहा मैं कुछ ज्यादा ही अमीर हो रही हूँ? उसके बाद है हमारी नेक्स्ट कुर्ती। आई थिंक मुझे इसको पहन के नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे वो पिंक वाली बिल्कुल सेम वैसी है, कपड़ा भी वैसा ही है, स्लीव्स भी वही है। स्लीव्स, इसकी बाजू भी बिल्कुल सेम वैसी है, बस इस पे डिजाइन थोड़ा सा अलग है। सेम ये देख रहे हो, ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब इस पे बटन लगा हुआ है उसी की तरह यहाँ पे। और उसके नीचे है ये ब्लू कलर की पैंट, मतलब प्लाजो। अभी अगर मैं इसको मार्क्स दूं, ये मुझे थोड़ा सा इसका डिजाइन कम अच्छा लगा, मुझे फोटो में ज्यादा अच्छा लग रहा था पर अभी अच्छा नहीं लग रहा। तो 5 में से 4 मार्क्स दूंगी, बस ये इतना ही डिजर्व करता है। हट जा। मैं नेक्स्ट कुर्ती दिखाने वाली हूँ, इसका थोड़ा सा मैरिड वाला लुक है। ये तो स्टिल मतलब कॉलेज गर्ल्स और थोड़ी सी कबीर सिंह की बंदी वाली जैसा लुक है इसका, बट इसका थोड़ा सा देख लो शादीशुदा वाला है, क्योंकि इस पे जो डिजाइन है वैसे है। तो मैंने मम्मी की दिमाग की सोच से मंगवाया ये मतलब उनकी मेंटालिटी से नहीं, मतलब उनपे क्या अच्छा लगेगा वैसा सोच के मंगवाया। बिल्कुल बेसिक कुर्ती है ये देखो, ऐसे इसके ऊपर ये ब्लू कलर की धारी भी बनी हुई है और यहाँ पे स्लीव्स इसकी बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है। ये बहुत मुश्किल होती है इसको पहनने में। अभी अपनी आंख बंद रखना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बहुत अच्छे से रेडी होके आ रही हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हें आइडिया तो चाहिए, मिल जाएगा आइडिया ऐसे? यार दीदी ऐसे मत करो रुक जाओ, ये ऐसे करती है पागल ऐसे जिंदा लाश की तरह लेट गई। ये पूरा नीचे दीदी प्लीज चेंज कर लो, ऐसे नहीं करते फिर मम्मी पीटेगी आपको। नहीं देखा यार, इसमें हाथ करी खुद कर, खुद करो। सोचो मैं जस्ट इन केस अवेलेबल नहीं होता, आप कैसे करोगे, दूसरे का भी खराब कर दिया पगली। और ये बहुत क्यूट है, मम्मी के ऊपर अच्छी लगेगी। तो बस यही है जो भी अच्छे से कपड़े है। तो इसको अगर मैं मार्क्स दूं तो इसको मैं दूंगी 5 में से 3, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और ये मम्मा का भी है। यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और यहाँ पे हमारा पूरा भंडार पड़ा हुआ है सामान का। यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये हॉल देखने में मजा आया होगा और आपको इसमें से कोई आउटफिट अच्छा लगा होगा। तो आपको इसमें से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा और सबसे गंदा कौन सा लगा मुझे पता है। अच्छा लगा है वो ब्लू वाला और गंदा लगा है मम्मी वाला। आई नो दैट। सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आई लव यू सो मच एंड आई लव यू।